जय हिंद दोस्तों। पंजाब का एक और अग्निवीर शहीद हो गया। खाना के गांव का रहने वाला अग्निवीर अजय सिंह 23 वर्ष जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। वीरवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में बारूदी सुरंग में विस्फोट होने के कारण अजय सिंह की जान चली गई। शनिवार शाम को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे सेना की एक टीम नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में फोखरा चौकी के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान बारूदी सुरंग में जोरदार धमाका हुआ। मौके पर मौजूद 3 जवान चपेट में आ गए। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अजय सिंह ने दम तोड़ दिया। शहीद अजय सिंह के पिता चरणजीत सिंह ने बताया कि वह 6 बेटियों के बाद उन्हें बेटा हुआ था। अब खुद मजदूरी करते हैं, पत्नी भी काम करती है, बेटियां भी प्राइवेट नौकरी करती थी। बेटा खुद कभी पेंट करने जाता था तो कभी राजमिस्त्री के साथ दिहाड़ी पर जाता था। 12वीं पास करने के बाद साल 2022 में बेटा सेना में भर्ती हो गए। पास की बेटी परिवार का सहारा बन गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो जाएगा। शहीद अजय ने अगस्त 2023 में परिवार के साथ बर्थडे मनाया था। वह फरवरी में छुट्टी पर घर आने वाले थे। पिता चरणजीत सिंह ने अग्निवीर भर्ती पर सवाल उठाए हैं। शहीद के पिता ने कहा है कि 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है, कोई पेंशन कोई लाभ नहीं। आज उनका बेटा शहीद हुआ है, बाकी भी जवान देश के बेटे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अग्निवीरों के पहले की तरह सभी सुविधाएं देनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 23 वर्ष सैनिक अजय जवान सिंह की ड्यूटी के दौरान शहीद पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अग्निवीर अजय सिंह जो खाना के नज़दीकी गांव के रहने वाले थे, वह एक बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि इस बहादुर सैनिक ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। बाकी दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा।